वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, पर आखिर वक्फ बोर्ड क्या है और इसके कानून में क्या बदलाव किए गए हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल वक्फ एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर दान की गई वस्तु या पैसा। कोई भी मुस्लिम पैसा, जमीन, मकान या किसी भी तरह की कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी के रखरखाव और उसे मैनेज करने के लिए लोकल से लेकर नेशनल लेवल तक वक्फ बॉडीज बनाई जाती है। इस्लाम के कुछ जानकार बताते हैं कि दान में मिली गई संपत्ति का मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई, मस्जिदों को बनाने के लिए या इस्लाम से जुड़े बाकी धार्मिक कार्यों में यूज की जाती है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल का काम करता है। वक्फ बोर्ड क्या है ये तो आपने समझ लिया, पर इससे जुड़ा विवाद क्या है हम आपको ये भी समझा देते हैं। दरअसल सरकार ने संसद में वक्फ से जुड़े दो बिल पेश किए हैं। पहले बिल में वक्फ कानून 1923 को खत्म करने की बात कही गई है, वहीं दूसरे बिल में 1995 के वक्फ कानून में करीब 40 बड़े बदलाव किए गए हैं। बता दें संसद में वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। विपक्ष इस बिल का जोरों शोरों से विरोध कर रहा है। बिल पेश होते ही संसद में जोरदार हंगामा हो गया। दरअसल इस बिल में 1995 के वक्फ कानून का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। नए बिल के तहत सिर्फ वो ही व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ हो। इसके अलावा किसी भी मुस्लिम महिला के विरासत के अधिकार पर भी जोर दिया गया है। संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों को बेहतर तरीके से मैनेज करने का प्लान बनाया गया है, जिसमें एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस बनाने की बात कही गई है। इसी कड़ी में लोकलिटी ने अयोध्या के मुस्लिम समाज के साथ साथ अयोध्या के साधु संतों से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो बिल, यह बिल पास हो जाए, पास होने के बाद में उसे कानूनन कार्रवाई हो, जिससे जो अनावश्यक और जो बिना मतलब के इन लोगों ने वक्फ बोर्ड कह करके और बहुतों लोगों को दबाते हैं, कितने गांव के गांव वक्फ बोर्ड के नाम से हैं, ऐसा आया है समाचार में। इसलिए यह वक्फ बोर्ड का पास हो जाना, वक्फ बोर्ड की कानूनन कार्यवाही होना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपके साधु संत हिंदू जनमानस प्रसन्न है और हम लोग समर्थन करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि वक्फ बोर्ड का बिल पेश किया है और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड शुद्ध रूप से गैर संवैधानिक संगठन, गैर सामाजिक संगठन, जिस प्रकार से कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाकर एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय को खुश करने के लिए कार्य किया था, अब उसको पीड़ा हो रहा है, अब उसको तकलीफ हो रही है। वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह संपत्ति हमारी है तो उसकी हो गई, अब हम न्यायालय भी नहीं जा सकते। तो भैया यही मानना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जितनी भी है सरकार की निगाह में होनी चाहिए, जो अवैध कब्जे हैं उस जो है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड में जितनी संपत्तियां जो है लोगों ने दिया है, इसलिए वक्फ किया है कि ये जो है गरीब और अमीरों के सबके काम आवे, तो ऐसा नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के ऊपर सरकार निगाह रखे और जो नाजायज कब्जे वगैरह लोग किए हुए हैं उसको सरकार उसको खाली करावे। हमारी भी राय है, अच्छी बात है कि सरकार जो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन से जुड़े बिलों को पेश किया, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। बता दें सरकार ने नए वक्फ बिल और मुस्लिम वक्फ रिपिल बिल 2024 को भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC को भेज दिया है। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।